क्लास एट मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से पेज नंबर 251 पे ट्राई दिस है, चैप्टर 16 पे। ठीक है, तो चैप्टर 16 पे जो ये ट्राई दिस है, इस ट्राई दिस को पहले हम कंप्लीट करेंगे और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसके नहीं, पहले तो हमको थोड़ा सा बेस देखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन, इसके पहले के पेज का इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सुंदरम नाम का नाम दिया हुआ है। तो सुंदरम है क्या चीज़, आपको ये समझना पड़ेगा, सुंदरम के साथ में क्या टॉकिंग, किसके साथ क्या टॉकिंग हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर इस ट्राइदिस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ट्राइदिस पेज नंबर 251 चैप्टर नंबर 16। ठीक है, पहला क्या है क्वेश्चन, चेक व्हाट द रिजल्ट वुड हैव बीन, क्या रिजल्ट होगा इफ सुंदरम हैड चूजन द नंबर सोन बिलो, यदि सुंदरम ने ये सारे नंबर चूज किए होते तो रिजल्ट क्या होता। ठीक है, रिजल्ट क्या होता ये हमको बताने का है। ठीक है, तो सुंदरम ने क्या नंबर चूज किए थे, पहले ही कुछ नंबर चूज किए होंगे ना, तो जिसके साथ में उसने प्ले किया, जिसके साथ में उसने, क्योंकि ये क्या है, प्ले विथ नंबर्स। ठीक है, तो जिसके साथ उसने प्ले किया है, जिस नंबर्स के साथ में प्ले किया है वो है क्या चीज़। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में क्या है कि मीनाक्षी और सुंदरम जो है आपस में टॉकिंग करते हैं, मीनाक्षी सुंदरम से बोलती है कि आप कोई भी दो डिजिट का कोई एक नंबर चूज करो। ठीक है, कोई भी दो डिजिट का नंबर 37, 45, 54 कुछ भी एक नंबर आप चूज करो अपनी मर्जी से। ठीक है, उसके बाद क्या क्या करता है, एंड देन टू डू वाट एवर सी आस्क हिम टू डू टू दैट नंबर देयर कन्वर्जेशन शोन इन द फिगर, इसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, सबसे पहले आप बोलता है कि दो नंबर को, दो डिजिट वाले एक नंबर को आप चूज करो। ठीक है, चूज करने के बाद मीनाक्षी बोलती है, ठीक है, तो उसने चूज किया 49। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि उसने क्या बोला मीनाक्षी कि रिवर्स द डिजिट टू गेट ए न्यू नंबर, इस नंबर को आप रिवर्स करो। ठीक है, तो 49 को इसने रिवर्स किया तो 94 आ गया। ठीक है, बाद में क्या किया, वो बोलती है, मीनाक्षी बोलती है, एट दिस नंबर यू स्टार्टेड विथ, इस नंबर को जो नंबर पहले आपने थिंक किया वो दोनों नंबर को आप दोनों नंबर को आप, ठीक है, तो क्या बोलता है कि अब ये दोनों नंबर को ऐड करो, यानी 49 जो आपने थिंक किया और 94 जो आपने रिवर्स किया, तो इन दोनों नंबर को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद इसको मिल गया 143, वही ऐड करने के लिए बोला 143 आया। अब ये क्या बोलता है, नॉ डिवाइड दिस नंबर बाय 11, अब ये बोलता है इस नंबर को जो आपने गेट किया उसको 11 से डिवाइड करो, जब वो 11 से डिवाइड किया तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया और 13 से वो डिवाइड हुआ। ठीक है, तो देयर विल नॉट बी रिमाइंडर, तो मीनाक्षी बोलती है कि क्योंकि इसने तो थिंकिंग किया था, इसने तो बताया नहीं था, सोचा कि 49। ठीक है, लेकिन मीनाक्षी अपने मन से बोलती है कि अभी जो आपका वैल्यू आया उसमें रिमाइंडर जीरो आया। ठीक है, तो रिमाइंडर जीरो आया। ठीक है, बट यू राइट, बट हाउ डिड यू नो, तो ये बोलता है सुंदरम बोलता है कि आप तो सही हो लेकिन आपने इसको कैसे पता किया, कैसे पता चला ये, तो कैसे पता चला, तो यही जो है, ठीक है, सुंदरम और मीनाक्षी के बीच में यही कन्वर्सेशन है। ठीक है, कि इसने दो डिजिट वाले नंबर को बोला सोचने के लिए, थिंकिंग करने के लिए, बाद में उसको रिवर्स करके बताने के लिए, बाद में दोनों को ऐड करने के लिए, बाद में उसको 11 से डिवाइड करने के लिए, फिर मीनाक्षी ने तुरंत बोला कि ये जो है 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो बचेगा, फिर ये कन्फ्यूज हो गया कौन, तो सुंदरम। ठीक है, उसी सुंदरम के बारे में दिया है कि अगला ये नंबर जो ये चार अलग अलग नंबर इसने थिंक किए उसके लिए वैल्यू क्या होगा, ये 27 थिंक किया, यदि 39 थिंक किया होता, ये 64 थिंक किया होता, या 17 थिंक किया होता तो वैल्यू क्या होती। ठीक है, तो अब क्या है इसमें, ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे इसके कारण की, इसके कॉज की ओर जाते हैं। तो कॉज की ओर यदि हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मीनाक्षी ने इसको, इस ट्रिक्स को, ये जो ट्रिक था इसको एक्सप्लेन किया, किस तरह से एक्सप्लेन किया कि मान लीजिए आपने ए बी कोई ऐसा डिजिट, कोई ऐसा नंबर जिसके दो डिजिट हैं, पहला डिजिट ए है दूसरा डिजिट बी है, जैसे 12 है, 24 है, 37 है, 89 है, कुछ भी है, ए में
एक डिजिट और बी में एक डिजिट है, ये ए इंटू बी नहीं है, ठीक है, ये वाला ए इंटू बी नहीं है, दो डिजिट का एक नंबर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ए बी इसने क्या किया, चूज किया, ठीक है, तो विच इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टू डिजिट नंबर, ठीक है। तो ए बी को हम कैसे लिखते थे, 10a+b के रूप में हम लिखते थे, तो मालूम है, इसको रिवर्स कर दीजिए। जब इसको रिवर्स करेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। इसके पहले हमने देखा जैसे 39 क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 64 क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 17 क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो वैसे ये क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, और बी ए के लिए वैल्यू क्या होगा, 10b+a हो जाएगा। इस बार बी 10, बी के साथ 10 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 10th डिजिट में बी आ गया है, ठीक है, तो 10b+a होगा। अब उसने क्या बोला था कि ए बी और बी ए को प्लस कीजिए, यानी जो 39 और 93 आपने सोचा, या 27 और 72 जो सोचा, या पहले जो सोचा हुआ था ऑलरेडी, उस दोनों को आपस में प्लस कीजिए। तो होता क्या है कि 10a जब हम जनरल फॉर्म में हम देखते हैं तो ये क्या होता है, 10a+b होता है, और ये 10b+a होता है। इन दोनों को प्लस करते हैं तो 10a+b+10b+a हो जाता है। कैसा हो जाता है, 10a, क्योंकि दोनों को प्लस किया, इसको और इसको, तो क्या हो जाता है, 10a+b+10b+a, यदि ब्रैकेट निकाल दे तो ये a के साथ a तो प्लस हो जाएगा, 10a और a प्लस होके 11a हो जाएगा, और b और 10b प्लस होके 11b हो जाएगा, यानी 11 क्या हो जाएगा, 11a+11b हो जाएगा। यदि इसमें से 11 बाहर निकाल दें तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, a+b, ठीक है, वही 11a+b है। तो 11a+b है, इसका मतलब 11 का ये मल्टीपल सीधा सीधा बन गया, और 11 का मल्टीपल सीधा सीधा बन गया, यानी जब भी 11 से डिवाइड करेंगे ये हमेशा पूरी तरह से डिवाइड हो ही जाएगा, कभी भी इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा। यही इसका मेन ट्रिक था, ठीक है, यही इसका क्या था, मेन ट्रिक था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अब हम ट्राई दिस को फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इस तरह के चार हमारे एग्जाम्पल भी तैयार हो जाएंगे। 27 के लिए देखिए, चूजर नंबर क्या है, 27, जो कि सुंदरम ने चूज किया, नया नंबर जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, पहला 27 दिया हुआ है, तो ये चूजर नंबर है जो सुंदरम ने चूज किया। अगला नंबर 39 रहेगा, लेकिन पहले 27 के लिए देख लेते हैं, चूजर नंबर 27 है, रिवर्स कर दिए डिजिट को बाय रिवर्सिंग द डिजिट, न्यू नंबर क्या हो जाएगा, 72 उल्टा करेंगे तो 72 हो जाएगा, 7 आगे और 2 पीछे हो जाएगा, 72 हो गया, ठीक है। बाद में क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, सम ऑफ टू नंबर कितना हो जाएगा, 72 + 27 + 72 = कितना हो गया, 99। अब इसको 11 से हम डिवाइड करते हैं क्योंकि हमको देखना ही है कि रिमाइंडर जीरो होता है कि नहीं होता है, तो 11 से डिवाइड किया था, 11 9 = 99, यानी जीरो रिमाइंडर आ गया, हियर ऑल्सो रिमाइंडर जीरो। यही मीनाक्षी बोली कि क्या ये आपका क्या होगा, रिमाइंडर जीरो आएगा, तो जीरो मैंने दिखा दिया कि जीरो आया, ठीक है, क्यों आया जीरो, तो वो भी कारण हम बता देते हैं। एंड 99, ये जो 99 आया है, ये 99 क्या है, 11 का मल्टी, क्योंकि 11 के हिसाब से हमको देखने का है कि ये, ठीक है, क्योंकि उसने बोला 11 से आप डिवाइड कीजिए, इसलिए 11 के हिसाब से डिवाइड देखने का है, तो 11 × जो भी बने, 99 को यदि आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 9 ही बचेगा, 11 × 9 हमेशा होना ही होना है 99 के लिए, तो 11 × 9 होगा, और ये 9 क्या है, 9 जो है जो हमने चूज किया था नंबर 27, इन दोनों को प्लस करेंगे तो वही नंबर है यहाँ 9, ठीक है, यानी 2+7 है, क्योंकि हमने चूज किया था नंबर 27, आगे समझ में, तो 2+7 होगा, यानी 11 × सम ऑफ द डिजिट ऑफ चूजर नंबर, जो नंबर चूज किए थे उसी का डिजिट का सम है ये, ठीक है। तो इसको जब हमने तोड़ा तो हम पाए ये वही फॉर्मूले पे आ गया जो ABC के फॉर्मूले पे हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देखते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 39, ठीक है, चूजर नंबर हो गया 39 जो सुंदरम ने चूज किया, ठीक है, रिवर्स करेंगे तो 93 होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 132 होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 11 से इसको डिवाइड करना है क्योंकि मीनाक्षी ने 11 से डिवाइड करने के लिए बोला था, तो 11 से डिवाइड किया था, 11 1 जाए 11 हुआ, तो 3 में 1 गया 2 बचा, ठीक है,
2 नीचे आया, 11 2 जा 22, डिवाइड करना तो आपको आता ही है, तो यहाँ 0 यानी कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा, यानी कुल मिला के क्या हुआ कि हियर ऑल्सो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, यही रिमाइंडर 0 जो है मीनाक्षी बोलती है कि रिमाइंडर 0 होगा, तो ये क्लियर हो गया कि हाँ रिमाइंडर 0 हो रहा है। क्यों हुआ रिमाइंडर 0, तो अब इसके फॉर्मूले पर जाते हैं, तो 132 इज इक्वल टू क्या होगा, 11 इंटू 12, यहाँ हमने दिखाया ठीक है, 11 के फैक्टर के रूप में लिखना है, तो 11 इंटू जो भी बचा, तो यहाँ तो 12 बचा दिख ही रहा है, तो 11 इंटू 12, और ये 12 है क्या ऑलरेडी, 11 को तो 11 से डिवाइड करने के लिए बुलाते हैं, इसलिए 11 को तो छूना नहीं है हमको, सिर्फ 12 को छूना है, तो 12 है क्या आखिर, 12 जो है ये जो चूजन नंबर है, इस नंबर के डिजिट का सम है, 3 + 9 है, देखिए 3 9 करेंगे तो 12 आएगा, और वही 12 यहाँ पे आया हुआ है ठीक है, यही 12 आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 11 इंटू 3 + 9 हो गया, दिखा सकते हैं हम, या 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट ऑफ चूजन नंबर ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया कंप्लीट, थर्ड क्या है, 64 ठीक है, और 64 के लिए क्या होगा, चूजन नंबर क्या है, 64 है ठीक है, नंबर को रिवर्स करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 46 हो जाएगा ठीक है, रिवर्स करने से ठीक है। अब ये दोनों का सम निकाल दीजिए, तो दोनों का सम क्या होगा, सम ऑफ द टू नंबर 64 + 46 = 110 हो गया। अब 110 को 11 से डिवाइड किए तो 10 से डिवाइड हो गया पूरी तरह से, और इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 आया, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं आया ठीक है, 0 आता है। और यदि हम बोले 110 है क्या, ठीक है 0 आया यानी कि हमारा आ गया, कंफर्म हो गया कि नहीं, ये जो है 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है ठीक है। लेकिन फिर भी हम और आगे फॉर्मूले को देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला बनता है, तो 11 इंटू 10 है ठीक है, 11 के रूप में देखना है, 11 के फैक्टर के रूप में देखना है, तो 11 इंटू 10 हो जाएगा, तो 11 इंटू 10 हो जाएगा, तो 11 इंटू जो हमने चूजन नंबर, ये 10 कहाँ से आया, तो जो नंबर हमने चूज किया था 64, इन दोनों डिजिट का प्लस ही है ठीक है, तो ये क्या है, 6 + 4 है, यानी 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट ऑफ चूजन नंबर। आगे समझ में, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ है 17। अब 17 के लिए आप बनाइए, तो चूजन नंबर हमारा कितना है, 17 है ठीक है, रिवर्स करते हैं तो 71 बनता है, दोनों को प्लस करते हैं तो 88 होता है ठीक है, और 88 को 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 से डिवाइड करने के लिए उसने लास्ट में बोला था, 11 से डिवाइड करते हैं तो 8 में पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर बचता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूले में फिट हो गया, 88 = 11 × 8 हो गया, और 8 कहाँ से आया, जो चूज किया था 17, उस 17 के दोनों डिजिट का प्लस है ये ठीक है, 1 + 7 है, तो वही 8 जो है हमको दिखाना पड़ेगा, 8 जो है 1 + 7 का प्लस है ठीक है, इसलिए इसको ब्रैकेट में करके 11 को अलग कर दिया, यानी ये क्या हुआ, 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट ऑफ चूजन नंबर हो गया ठीक है। इसके साथ ही ट्राई दिस 251 भी कंप्लीट हो गया, और इसके पहले का जो इंट्रोडक्शन था वो भी कंप्लीट हो गया ठीक है।